देखिए मटन को निकाला जा रहा है। अब मटन को अच्छे से मिलाया जा रहा है, देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग बकरा का रेसिपी बनाएंगे। बहुत बड़ा बकरा लाए हैं, मोटा मोटी 20 किलो होगा, तो उसको आज बनाएंगे मस्त और मस्त खाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। तो देखिए हम लोग किस तरह बकरा को तैयारी कर रहे हैं। इसको छीला जा रहा है, लेकिन हम लोग इसका जो ये जो रुआ है उरी को हटा देते हैं और इस तरह हम लोग का यहाँ पर बनता है। इधर देखिए चावल बनना चालू हो गया है। ये देखिए चावल बन रहा है काफ़ी मात्रा में। इधर प्याज भी कटिंग हो रहा है। अब यहाँ पर मीट को कटिंग किया जा रहा है। देखिए मीट को किस तरह कटिंग किया जा रहा है। चावल तैयार हो गया है, अब चावल को निकाला जा रहा है। देखिए दोस्तों मीट कटिंग हो गया है, अब इसको अच्छे से बनाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हल्दी डाला गया है, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला रहा है दोस्तों। करीबन 20 से 25 किलो मटन है, जिसमें कितना क्वांटिटी में दिया जा रहा है, ये क्या है भाई? अब इसमें गरम मसाला डाला गया, ये जीरा पाउडर, अब इसमें काली मिर्च पाउडर डाला जा रहा है। एकदम स्पाइसी बनेगा, तीखा तीखा। अब मटन को अच्छे से मिलाया जा रहा है, देख सकते हैं। और इधर अदरक और लहसुन को छीला जा रहा है। सरसों तेल डाला गया और इसको अच्छे से मिलाया जाएगा। हो गया। ये देखिए काफी मात्रा में जीरा पाउडर डाला गया। और थोड़ा सा हल्दी भी डाला जा रहा है। और थोड़ा सा गरम मसाला भी, ये अपना हिसाब से डाल रहे हैं, ये माहिर खिलाड़ी है भाई, देख सकते हैं। इसका मोच देखिए, एकदम भयंकर मोच है। और ये जो मटन को अच्छे तरीके से मिला करके इसको रखा जाएगा। दोस्तों आप लोग ऐसा मटन नहीं खाए होंगे, इस तरह एक बार बना करके जरूर खाइएगा। थोड़ा सा और हल्दी लगेगा, थोड़ा सा हल्दी डालो, लगेगा। हाँ बस 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 बस, हो गया। चलो मिलाओ अच्छे। कितना अच्छे तरीके से इसको मिलाया जा रहा है मटन को। ये करीबन 20 किलो मटन है और ये चमड़ा वाला मीट है दोस्तों। अब इसको ढक के इसको आधा से एक घंटा के लिए रख दिया जाएगा। सलाद को काटा जा रहा है, देख सकते हैं छीला जा रहा है। ये भाई साहब सलाद को छील रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितना सारा लोग बैठे हुए हैं। आज मटन और चावल खाएंगे सब मिल करके, एंजॉय करेंगे हम लोग आज। मटन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी गर्म कर लेंगे 2 से 3 बाल्टी, ताकि गर्म पानी डालने से मटन बहुत ही अच्छा बनता है। डेग को चढ़ा दिया गया है, अब इसमें सरसों तेल डाला जा रहा है। ये करीबन 20 किलो मटन है, तो इसमें करीबन तेल जाएगा 2.5 किलो। देखिए काफ़ी मात्रा में तेल डाला जा रहा है। देखिए इसमें और तेल डाला जा रहा है।
करीबन 2.5 किलो तेल इसमें डाला गया है। अब इसमें कुछ सूखी मिर्च डाला गया है, इसमें खड़ा गरम मसाला डाला गया है, लौंग, इलायची, दालचीनी। अब ये जब चटक जाएगा तभी इसमें कुछ डाला जाएगा। और अब इसमें प्याज, देखिए दोस्तों, प्याज 2.5 किलो से 3 किलो तक प्याज इसमें डलाया है। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया जाएगा प्याज को। ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मटन बना रहे हैं हम लोग। ये देखिए मटन बनाने का तरीका जो है हम लोग का थोड़ा अल्टर है। प्याज को अच्छी तरीके से इसको फ्राई किया जाएगा। प्याज का कलर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इसी तरह चलाते रहेंगे। अब प्याज को कुछ देर भूनने के बाद इसमें तेजपत्ता डाला जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से बना रहे हैं। तेजपत्ता का फ्लेवर बरकरार रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाला जा रहा है प्याज को गलाने के लिए। दस से 15 मिनट तक प्याज को इसी तरह चलाते हुए भुना जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों करीबन प्याज होने ही वाला है। अब और थोड़ा सा बाकी है। प्याज जब तक भुनाएगा नहीं तब तक इसमें मटन डालाएगा नहीं। देख सकते हैं दोस्तों प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें लहसुन डाला जा रहा है। ये देखिए धरधरा कूट करके डाला जा रहा है इसमें लहसुन। प्याज फ्राई हो गया है, इसके बाद लहसुन भी फ्राई हो गया है। अब इसमें मटन को डाला जा रहा है। 20 किलो मटन इसमें डाला गया। अब इसको चलाते हुए अच्छे से इसको भुना जाएगा। अब इसको चलाते रहना होगा और इस टाइम चूल्हा का आंच थोड़ा कम होगा ताकि मटन नीचे चिपक ना जाए। अगर आप कढ़ाई में बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डेग में अगर बनाते हैं तो। अब इसको चलाते रहना होगा मटन को। अब कुछ देर चलाने के बाद अब इसमें अदरक को डाला जा रहा है दरदरा करके। देखिए दोस्तों अदरक डाला गया है। अब अच्छे से इसको मिलाया जाएगा। अदरक बाद में डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इस वजह से हम लोग बाद में ही डालते हैं अदरक को। बहुत ऐसा आदमी है जो बनाते हैं तो अदरक और लहसुन साथ में ही डालता है, लेकिन हम लोग पहले लहसुन को डालते हैं उसके बाद मटन को डालते हैं। कुछ देर भूनने के बाद उसमें अदरक को डालते हैं। ये देखिए नीचे चिपक रहा है मटन को। कुछ देर फ्राई करने के बाद अब इसमें जा रहा है किचन किंग, थोड़ा सा ही जाएगा किचन किंग। मटन मसाला डालने के बाद कुछ देर इसको भुना जाएगा। और ये देख सकते हैं मटन का रंगत कैसा लग रहा है देखने में। अब इसमें जा रहा है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ये देखिए ये कलर के लिए डाला जा रहा है और इसमें टेस्ट भी आता है बहुत ही अच्छा। आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके भुना जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मटन को आज बनाया जा रहा है। खाने में बहुत नहीं टेस्टी रहेगा दोस्तों, जितना देखने में आपको लग रहा है।
से चिपक रहा है, इस वजह से थोड़ा सा पानी डाल दिया जा रहा है। देखिए बीच में थोड़ा सा पानी डाला गया है। अब इसको चलाते हुए इसको भुना जाएगा। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें हरी मिर्च डाला जा रहा है। ये देखिए हरी मिर्च डाल दिया गया है। अब इसको चलाते हुए भुना जाएगा कुछ देर के लिए। और करीबन 15 से 20 मिनट तक मटन को अच्छी तरीके से भुना गया है। आज हम दोनों मज़े से खाएंगे क्या। अब मटन को आधा घंटा फ्राई करने के बाद इसमें गर्म पानी डाला जा रहा है। दोस्तों देखिए गर्म पानी डालने से मटन का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। चलिए हम लोग दो बाल्टी इसमें डाल दिए हैं पानी। चलिए दोस्तों पानी इसमें डाला गया है करी के लिए, लेकिन गर्म पानी डालना है। जब भी आप करी बनाइए मटन का, इसमें गर्म पानी डालिए और इसको ढक के कम से कम आधा एक घंटा तक इसको पकाना होगा, तब जाके मटन आपका बढ़िया बनेगा। अब इसको ढक के पकाया जाएगा एक घंटा के लिए। दोस्तों एक घंटा के बाद मिलते हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों, कितना सारा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। जगह जगह में बकरा बन रहा है और आदमी लोग आया है खाने के लिए। देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है यहाँ पर। एक घंटा हो गया है दोस्तों, मटन बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों मटन बनकर तैयार हो गया है। अब इसको नीचे उतारा जा रहा है। मटन दोस्तों मटन चावल हम लोग खा लिए हैं, आज मजा आ गया। एक साथ में दीपक भी है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।